चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं, तो वहीं आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, जहां मां घोड़ी पर सवार होकर घरों में प्रवेश करेगी। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं। मंदिरों और घरों के साथ ही दुर्गा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आज आराधना हो रही है। बात करें राजधानी जयपुर की, तो यहां आमेर शीला माता मनसा माता, दुर्गापुरा के प्राचीन दुर्गा मंदिर, पुरानी बस्ती के रुद्र घंटेश्वरी, घाट गेट के काली माता मंदिर, राजापार के वैष्णो देवी मंदिर और जालाना के देवी मंदिर में विशेष आयोजन रखे गए हैं। इन सभी मंदिरों में प्रतिदिन हवन होंगे। अरे तुम्हें कोई आवाज ही नहीं आ रही। तो चलिए अब जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी और श्री गंगानगर में नवरात्रि को लेकर क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है। तो वही वाराणसी से दुर्गेश मेरे साथ जुड़ चुकी है और श्री गंगानगर से डीपी शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या कुछ उत्साह लोगों में वहां पर नवरात्रि को लेकर देखा जा रहा है, वही नववर्ष की भी आज से शुरुआत हुई है, हिंदू नववर्ष की। जी दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवरात्र जो एकादशी में धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन और नववर्ष का यहीं से शुरू होता है। अगर बात की जाए वाराणसी में, तो ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ शिव कणकर में विराजमान होते हैं। अगर जहाँ शिव हो वहाँ गौरा माता ना हो, ये तो हो नहीं सकता। बात की जाए वाराणसी में हर मंदिर में जो लाखों के श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, दर्शन के साथ साथ अपने को बहुत ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है काशी आना और अपने आप को सौभाग्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। अगर बात की जाए तो मैं इस समय अष्टभुजी माता मंदिर में हूँ। मैं आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग आए हैं कतारबद्ध, यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के साथ साथ मैं आपको तस्वीरों में ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे माताएं हैं जो कतारबद्ध लाइन में यहाँ पे खड़ी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि कब हमारा बारी आएगी, कब हम माता का दर्शन प्राप्त करेंगे। और दर्शन के साथ साथ जो इनके परिवार का है, जो पति है, जो बेटा है, उनकी सुख शांति समृद्धि की मनोकामना करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आकाशी में जिस तरह से यहाँ एक जो चैत्र नवरात्र का जो पर्व होता है, ये तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है भाई। अगर और बात की जाए तो यहाँ पे हर मंदिर में लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। आइए मैं कुछ माताओं से बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे आइए दर्शन करने के लिए, कतारबद्ध यहाँ पे लाइन में खड़ी है। क्या नाम है आपका? आज यहाँ पे आप आई हैं दर्शन करने के लिए आई हैं, क्या कहेंगी? हम देवी से मनाए, हमारे सब कष्ट दूर करे, दौलत भर दे। अच्छा, और परिवार के लिए क्या? परिवार के लिए सुख शांति चाहिए। और भी कुछ माताएं, मैं उससे भी बात करना चाहूंगा कि माता जी आज जा पाए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगी? माँ से घर का कुछ क्या मांगने आए हैं, माँ सब कुछ करती रहा है। अच्छे, और कुछ? परिवार जी दीपिका, और भी मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार से यहाँ पे लोग आए हैं कतारबद्ध लाइन में दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मंदिर में साफ तौर से दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लोग कतारबद्ध लाइन से दर्शन कर रहे हैं। माता अष्टभुजी मंदिर में मौजूद हूँ, यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को सौभाग्य
समझ रहे हैं जी। जी बिल्कुल, गंगानगर की तरफ जाना चाहेंगे डीपी शर्मा। गंगानगर में क्या कुछ श्रद्धालुओं की भावना वहां पर देखी जा रही है, किस तरह की भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है? जी दीपिका, बात की जाए गंगानगर की, तो गंगानगर के दिन आज से नल जो विक्रम संवत वो प्रारंभ हुआ, 2079 का जो शुभारंभ हुआ, आज ही के दिन जो घरों के अंदर नवरात्र की स्थापना की जाती है। माँ शैलपुत्री का पहला दिन जो ये नवरात्रों में पूजन करके आज से 9 दिन के लिए आरंभ होता जा रहा है। तो मैं आपको अभी मंदिर के अंदर खड़ा हूँ, काफी लोग मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ महिलाएं भी है और यहाँ जोत हो रही है मंदिर के अंदर, और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है नवरात्रों को लेकर के। इसके साथ साथ मैं दीपिका आपको बता दूं कि ये गंगानगर जिला जो है ये पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ है, तो पंजाब एक पंजाबी कल्चर होने के नाते यहाँ 14 अप्रैल को वैसाखी अपने साथ में पर्व बनाया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य ये होता है कि वैसाखी के दिन जो है ये फसलों की कटाई का जो कार्य उसका शुभारंभ किया जाता है, और इसी के साथ के अंदर ये हिंदू और जो ये पंजाबी और गए इनके दोनों को मिक्सिंग करके और ये उत्सव को बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। मेरे साथ के अंदर बहुत सी महिलाएं खड़ी है, मैं उनसे श्रद्धालु है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि वो जो ये उनकी क्या मांग है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी आप बताइए, आप मंदिर में आए क्या कहोगे, आप बोलिए क्या कहोगे। तो एक मेरे पास श्रद्धालु भी है और ये आप मंदिर में आए हैं, वो नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, तो क्या कहने जा रहे हो आप? इस दिन नवरात्र की पूजा, 9 दिन माता की पूजा की जाती है, और जो बही खाते हैं व्यापारी वर्ग है वो अपने बही खातों को बदलता है, इस दिन पुराने बही खातों की जगह नए बही खातों की वो लगाता है, पूजा अर्चना करता है, नए बही करता है, और जो भी वर्ष का। तो दीपिका मेरे साथ के अंदर मंदिर के पुजारी है, इनसे हम जानना चाहेंगे नवरात्र का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आज के दिन नवरात्र कैसे मनाना चाहिए इसको लेकर के। दीपाली जी बताइए क्या करना था? ये चाहता है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन है, देवा संपत है 2079 संपत लगा है, प्रतिपदा को मां शैलपुत्री की पूजा देवमंडी के अंदर खातो भाइयों की पूजा की जाती है, और आज करणी माता के मंदिर के अंदर, प्राचीन करणी माता के मंदिर के अंदर सुबह प्रातः 7 बजे घर स्थापना की गई और भव्य आरती की गई, और जय माता। तो जी दीपिका, भव्य आरती के साथ में आज से नवरात्रों का जो शुभारंभ शुरू किया गया है। जी दीपिका जी, वहीं एक बार और वाराणसी की तरफ जाना चाहेंगे दुर्गेश। अगर बात वाराणसी की करें तो वाराणसी में हर एक त्योहार का एक अलग ही महत्व होता है, जहां बात होली की हो या कोई और त्योहार की हो, तो इसको लेकर चैत्र नवरात्र को लेकर क्या कुछ विशेष वहां पर देखा जा रहा है? जी दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैत्र नवरात्र का जो महीना चलता है काशी में एक पावन के रूप में चलता है, और बात की जाए काशी में तो मैं आपको पहले भी बता चुका है बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ हर लोगों में उत्साह होता है, घर में जो 9 दिन व्रत होते हैं, 9 दिन का जो पूजा पाठन होता है, हवन होता है, ये बहुत ही माने रखता है। अगर मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा तस्वीरों में, जिस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लोग कतारबद्ध लाइन लगी है, यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं, और मैं आपको तस्वीरों में पीछे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे माताएं जो है कतारबद्ध लाइन में खड़ी है, और यहाँ पे लोग अपने बारी का इंतजार कर रही है कि कब इनकी बारी आएगी और ये माता का दर्शन पाएंगी, अपनी जो व्रत होती है, जो सुख शाम वृद्धि होती है वो इस प्रकार होगा। जी दीपिका जी, डीपी शर्मा, अगर बात करें कोरोना की, तो पिछले 2 सालों से जहां मंदिरों में दर्शन के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, तो वही अब देखा जा रहा है कि प्रतिबंध धीरे धीरे हट गया है, पूरी तरीके से हट गया है, तो अब क्या कुछ उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? जी दीपिका, 2 साल बाद कोरोना तो कोरोना जो हुआ है तो कम हो गया है, लेकिन जो प्रशासन की गाइडलाइन है वो तो अभी पालन कराने के लिए हर जिला प्रशासन ने हर मंदिर में जो यहाँ के काशी के मंदिर है उनको तो गाइडलाइन दी है। अगर बात की जाए तो लोगों में इतना उत्साह होता है कि आज के दिन जो नवरात्र का दिन होता है, कोरोना तक कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना होता है, जो आस्था होती है वो कोरोना पे भारी नजर आ रही है, क्योंकि काशी में जो मंदिर है वहां पे लाखों की श्रद्धालु ये भीड़ दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। जी दीपिका जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने जानकारी साझा की, किस तरीके से आपने बताया कि वाराणसी की बात करें, श्रीगंगानगर की बात करें, वहां पर किस तरीके से चैत्र नवरात्रा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
चैत्र नवरात्रा आज 2 अप्रैल से शुरू हो गई है। चैत्र नवरात्रों में करीब 2 साल बाद फिर से प्राचीन शीला माता मंदिर में भक्तों के लिए खोला गया है। आमेर शीला माता मंदिर में नवरात्र मेला भर रहा है। आमेर शीला माता मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना की गई है। नवरात्र के प्रथम दिन आज की गई घट स्थापना, इस साल माता रानी की पूजा अर्चना की जाएगी, जहां आराधना पूरे 9 दिन तक होगी, क्योंकि नवरात्र में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। माता मंदिरों में की गई विशेष सजावट, जहां आपको बता दें कई शक्तिपीठों पर मेले लग गए हैं। कोरोना के चलते माता मंदिरों में 2 साल बाद आस्था की बयार बह रही है। 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्र चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हुई है और इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई हैं। 9 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी और 10 अप्रैल को श्री राम नवमी पर विशेष आयोजन होंगे। वाराणसी में चैत्र नवरात्रों पर मंदिरों में जनसैलाब उमड़ा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी है। माता का दर्शन के लिए तड़के सुबह से मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री देवी का दर्शन है, तो वहीं देश में शांति समृद्धि की कामना के साथ भक्तों ने मंदिरों में माथा टेका है। आज से सनातन धर्म का नए वर्ष का आगाज